तो इस नवरात्रि व्रत के लिए आज मैं आपके लिए लेके आई साबूदाना और आलू के पराठे की रेसिपी। तो दोस्तों बिना झंझट के इसे बनाकर तैयार करेंगे और बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। तो इसे बनाने के लिए रात को यहाँ पर मैंने साबूदाने को भिगो दिया था और इस तरह से छन्नी पर रख दिया था, तो इसका सारा पानी निचोड़कर अलग हो गया है। तो यहाँ पर साबूदाना बिल्कुल ड्राई हो गया, इसे एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। दो उबले आलू इसी तरह से हाथ से मैश कर फोड़ लेंगे और इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने दो आलू लिए हैं, तो दोनों को इस तरह से अच्छे से मैश कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने दो से तीन हरी मिर्च लिए जिन्हें बारीक काट लिया, उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। और कुछ धनिया पत्ता लिए जिसे बारीक काट लिया, उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने धनिया ले लिया था, तो धनिया को भी इसके ऊपर ऐड कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च यानी कि आधा चम्मच के करीब काली मिर्च लिया, उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। काली मिर्च ऐड करने के बाद एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च को ऐड करेंगे। लाल मिर्च ऐड करने के बाद यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक यानी व्रत वाले नमक को, सेंधा नमक को ऐड किया है। तो यहाँ पर मैंने कच्ची मूंगफली को थोड़ी सी ले ली थी और उसे मिक्सी में चला लिया था। इससे जो है दोस्तों बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी और बहुत ही आसानी से पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक डो बना लेंगे। तो इस तरह से हाथों से मसल कर पहले सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो जब भी आप साबूदाने के पराठे बनाएं तो आपको ये ध्यान रखना है कि साबूदाने में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके पराठे जो है फटने लगेंगे और अच्छे से नहीं बनेंगे। तो साबूदाने को जब भी आप भिगोएं तो उसे छन्नी में छान कर रख लें कुछ घंटों के लिए, इससे पराठे बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं। तो इस तरह से ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने बैटर लिया, इस तरह से बाइंडिंग होना स्टार्ट हो गई यानी कि हमारा साबूदाना रेडी है। तो अब इस तरह से थोड़ी सी मैंने लोई ले ली है और साबूदाने को पन्नी पर रखकर इस तरह से फैलाते जाएंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी लगाती जा रही हूँ हाथों पर और इस तरह से फैलाती जा रही हूँ। आप चाहे तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, पानी से भी बहुत अच्छे से फैल जाते हैं और बहुत बढ़िया बनकर तैयार होते हैं। तो ये देखिए कितने आराम से फैल गया है, ये देखिए हमारा पराठा हो गया बनकर तैयार। अब दूसरी तरफ तवे को तेज़ गर्म होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर मैं लोहे का तवा यूज़ कर रही हूँ, तो आप नॉन स्टिक में भी यूज़ कर सकते हैं। तो लोहे के तवे में थोड़े पराठे चिपकते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से आराम से देखिए इसे पन्नी से उतार लेंगे और इस तरह से इसे तवे पर डाल देंगे। तो जब नीचे से हल्का सा ब्राउन कलर दिखने लगे तभी से इस तरह से उठाकर देख लेंगे। तो ये देखिए नीचे से सिक चुका है, तो अभी से हम बहुत ध्यान से पलट लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे पलट लिया है और इसमें ब्राउन कलर आ चुका है। इसी तरह से दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो हमारा साबूदाना आलू का पराठा हो गया सेक कर तैयार। इसी तरह मैं दूसरा पराठा भी आपको सेक कर दिखाती हूँ। तो उसी तरह से उसे पन्नी पर फैला कर आराम से उतर जाएगा और इसी तरह से इसे सेक कर तैयार कर लेंगे। तो देखिए नीचे ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो गया है और ये आसानी से उतर रहा है। देखिए किनारों से हटा कर देख लेंगे, अब इसे पलट लेंगे। अब इसे इसी तरह से नीचे से भी सेक कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए नीचे से भी सेक कर तैयार हो गया। तो इसी तरह से सारे पराठे सेक कर मैं यहाँ पर तैयार कर लूँगी, तो आपको दिखाते कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। तो इस पराठे को आप सब्जी के साथ, दही के साथ, चटनी के साथ, जिसके साथ भी आपका मन हो उसके साथ खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगते हैं और खाने में भी बहुत बढ़िया बनकर तैयार होते हैं। तो इस तरह से एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो के लिए लाइक का बटन क्लिक करें और नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।